नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी छोटे अपडेट लेकर आता रहता हूं, तो आज फिर से एक नया अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। देखिए, यहां पर माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर पुआर का सहारनपुर की ओर से जो है अभी बहुत बड़ा अपडेट जो है प्राप्त हुआ है, और डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 अप्रैल 2022 को ही हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर देखिए, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य प्राचार्य निदेशक समस्त संबंध महाविद्यालय सब वत्त पोषित महाविद्यालय माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर आदि को रखा गया है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये किन कॉलेजों के लिए जारी किया गया है। ये उन कॉलेजों के लिए जारी किया गया है जो मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के जो कॉलेज हैं, और वे अब मेरठ यूनिवर्सिटी यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के साथ जुड़े हुए थे पहले, बट अब उनको हटाकर जो है सहारनपुर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया गया है। तो उन कॉलेजों के निर्देश दिए गए हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली के, इनमें कॉलेज रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर विषय की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न विषयों में शोध निदेशकों हेतु महाविद्यालय में अहर इच्छुक सहायक सह आचार्य के पंजीकरण के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। यानी कि एक तरीके से जो असिस्टेंट वगैरह की जो जॉब है उसके लिए यहाँ पर रिगार्डिंग बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, महोदय कुलपति महोदय के आदेश अनुसार आप अपने महाविद्यालय में अहर इच्छुक सहायक सह आचार्यों के शोध निरीक्षण पंजीकरण हेतु अपने प्रार्थना पत्र एवं निर्धारित प्रारूप को आवश्यक अभिलेखों प्रमाण पत्रों सहित अग्रसर कर विलंबित 25 अप्रैल 2022 तक डॉक्टर मुकेश चंद्र शोध समन्वयक माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के डाक द्वारा रसायन विभाग DAV कॉलेज आर्य समाज रोड मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के संलग्न निर्धारित प्रारूप भरकर प्रेक्षित करने का कष्ट करें, ताकि विश्वविद्यालय की पंजीकृत शोध निर्देशकों की सूची अध्ययनत की जा सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो प्रैक्टिकल वगैरह इस तरह का कुछ हिसाब है, यहाँ पर इस तरह के जो टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर है, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। बट फिर भी जब सहारनपुर यूनिवर्सिटी से अपडेट निकाला गया तो मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया। ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इतनी शुद्ध हिंदी तो हमें भी नहीं आती, पर यहाँ पर जो लग रहा है शब्दों से वो ऐसा है कि कुछ सहायक असिस्टेंट टाइप का यहाँ पर जो है वो रखा गया है, और इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह है उसका हिसाब यहाँ पर रखा गया है। और सभी कॉलेजों को जो फॉर्म साथ में दिया गया है वो भरकर जो है जमा कर देना है डाक विभाग के माध्यम से यहाँ पर, और DAV कॉलेज आर्य समाज को ये भेजना है, यानी कि जो मुजफ्फरनगर DAV कॉलेज है उसको यहाँ पर भेजना है, और ताकि विश्वविद्यालय में जो है जल्द से जल्द उनका अध्ययन जो है कराया जा सके। और यहाँ पर माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर शोध पोर्टल शीघ्र ही संचालित करने जा रहा है शोधार्थियों के लिए शोध प्रेक्षण परीक्षा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जून जुलाई माह में प्रस्तावित है। तो यहाँ पर देखिए जो पोर्टल है वो भी जल्द शुरू हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वेबसाइट, और उसका जो शोध है वो भी यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको कि पोर्टल किस तरीके से इनका काम करता है और किस तरीके से नहीं करता है। मतलब कि अब पूरी तैयारी में जो है यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ऑनलाइन मोड में जो है आपका जो कार्य है वो पूरा शुरू हो जाएगा, बट अभी जो है ऑफलाइन मोड में आपका काम नहीं होगा क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी बनकर तैयार नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो भी यहाँ पर दिया गया है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, और एप्लीकेशन फॉर्म द रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र इन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखिए सुपरवाइजरी के लिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, और उसको प्रिंट करके जो है भरना है और कॉलेज को जो है इसको सेंड कर देना है। ये कॉलेज स्तर का काम है, आप लोगों का ये काम नहीं है। देखिए यहाँ पर जो पूरा PDF है वो दिया गया है, और ये सभी कॉलेजों को भी सेंड किया गया है, तो वे अपना काम जो है कर लेंगे। तो मैं इसलिए आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि देखें यहाँ पर जो काम है वो तेज़ी से शुरू हो गया है, और जल्द से जल्द आपके जो फॉर्म वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।